50,000 लीड्स है वो सच होगा। अशोक चव्हाण जी के बारे में आप बोल रहे थे, भास्कर राव जी बोल रहे थे कि अशोक चव्हाण जी को हम मराठावाड़ा की लीडर बनाएंगे, बहुत बड़ा बहुत शक्तिशाली लीडर बनाएंगे। मुझे आप पैसे कैसे बोला मालूम नहीं हुआ। हम तो अशोक चव्हाण जी को नेशनल लीडर की तरह से देख रहा है। जब बेलगाम में चुनाव होता है हमारा सब कार्यकर्ता लोग हमें पूछते हैं अशोक चव्हाण जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं आप, वो बेलगाम चुनाव को भी अशोक चव्हाण चाहिए। वो कांग्रेस में कोई बहुत डिफिकल्ट समस्या है उसको हल करने के लिए, उसके बारे में मार्गदर्शन के लिए हम सब अशोक चव्हाण की ओर देखते हैं। दीज आर द साइंस, ये तो नेशनल लीडर का साइंस है, इसलिए आप उसको यहाँ मराठावाड़ा में बंद मत करो, उसको नेशनल लेवल में छोड़ने का सोचिए। ये चुनाव जीतेश का नहीं है, आप जब उसको जिताएंगे जीतेश एमएलए होगा, लेकिन ये चुनाव अशोक चव्हाण जी का है, अशोक चव्हाण जी का है। ये चुनाव झूठ और सच्चे लोगों की बीच में है। मैं खानापुर में बोल रहा था, झूठ और सच्चे लोगों की बीच चुनाव बोल रहे हैं आप, क्या है वो? देखो एक तरफ मोदी की ओर देखो, अमित शाह की ओर देखो, नड्डा की ओर देखो, वो जो जो 7 वर्ष में बोला कुछ सही निकला क्या? 15 लाख गरीबों की अकाउंट में डालते करके मोदी ने बोला, किसी की अकाउंट में डाला है? किसानों की आमदनी इनकम दुप्पट करता हूं, दुगनी करता हूं, कोई किसान का इनकम दुगनी हुआ है? या जो बैठे सब आप किसान लोग हैं, किसानों की लीडर्स हैं, युवकों को बोला कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ उद्योग, 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करता हूं, 7 वर्ष हुआ, 14 करोड़ उद्योग सृष्टि होना था, हुआ क्या देश में? 4 करोड़ उद्योग नष्ट हुआ मोदी आने के बाद। ये हाल है, ये झूठ बोलने वालों को 30 अक्टूबर में जो आपके पास जो मत है वो बहुत सारे वोट्स जीतेश को डालने से आप उसको बताना चाहिए कि ये झूठ बोलने वालों को लोग कभी भी सहन नहीं करता। मैं इतना आपसे अनुरोध करने के लिए चाहता हूं, ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चुनाव से सरकार आने का जाने का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये चुनाव से देश में बदलाव आने का वो शुभचिन्ह आप दिखा सकते हैं। इसलिए आप सब जो यहां बैठे हैं आप वोटर्स नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं कि आप वोटर्स है, आप तो नेता है। आप एक एक व्यक्ति, एक एक हजार नहीं तो 500 वोट जीतेश को
लेके आया वो बहुत बड़ा काम होगा। मुझे बहुत खुशी है कि भास्कर राव जी ने बहुत अच्छा निर्णय अच्छा टाइम पे लिया है। मैं गलती से उसका घर वापस आते बोला, वो बहुत अच्छे ढंग से बोला कि वो हिल स्टेशन गया था, हिल स्टेशन में कुछ नहीं है, वो गए कुछ है तो वो घर में ही है, ऐसे समझ के वापस घर में आके इतना खुशी में है, इसलिए हम सब संतुष्ट है। उसके साथ जो MLA आया है, XMLA आया है, ZP मेंबर्स आए हैं, पंचायत की अध्यक्ष आए हैं, लीडर्स आए हैं, वो सबको हम स्वागत करते हैं। और भास्कर राव जी को मैं और एक बार अभिनंदन करता हूँ, आप सही टाइम पे हमारे पार्टी को आके बहुत बड़ा बल दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको और आपका साथी सबको